डायबिटीज का है। सो डायबिटीज का आप देखिए सेपरेट वीडियो ले लीजिए ताकि आपको सेपरेट करने के लिए भी आसान होता है, बट स्टिल यू नो आई विल गिव यू द नो सेपरेटिंग टू यू। सो डायबिटीज के लिए कारण क्यों इंडिया डायबिटीज का बिगेस्ट यू नो ब्रीडिंग सेंटर है, बिकॉज हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सीरियल्स खाता है, चावल और गेहूं और ज्वार जो भी हो। जब तक हम लोग मजदूर के जैसा काम नहीं करे तो ये सीरियल्स डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन रियली हम लोग के शरीर में होता है 30-40%, रिमेनिंग शुगर के रूप में शरीर में ही रह जाता है। इसलिए खाना सामने आने के बाद में सोचना है कि क्या डायबिटीज हो या ना हो, इस इम्यूनिटी 40% का ज्यादा खाना छोड़ देना। लेकिन क्वेश्चन आएगा पेट नहीं भरेगा, कुछ नहीं, आप छोटा छोटा सलाड भी कर रहे हो, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस करता हूं मैं आप लोगों को बोल देता हूं, चावल इतना लेना, इतना सलाड लेना, उसको मिक्स कर देना चावल, उसी में आपको जो इच्छुक है, इच्छा है करी मटन खाओ चिकन खाओ दाल हो उसको मिक्स करके इतना हो जाता है। आराम से खुशी से खाना है, खुशी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों कर्म है? सो कुछ लोग मतलब हमको आश्चर्य कितनी पेशेंट अभी जिंदगी में मरना है ऐसा ज्यादा खा करके भूल गया, लेकिन वो डॉक्टर क्या है, ये हमारा डॉक्टर को कहा कि सर ऐसा ऐसा मैं मर रहा हूं ऐसा करके, अभी मरना नहीं छोड़ेगा, टॉर्चर देकर के मारेगा ये किडनी फेल। सो इसलिए वन शुड नॉट टेक इट इन वेरी लाइटली। सो हमको भी मजा आया, मतलब दैट लेडी इज यू नो क्वाइट यू नो सीनियर ऑफिसर इन डीबीएमपी। सो वो सोच लिया ठीक हुआ था, रोज क्यों मैं ऐसा कर रहा है, अभी खा करके मरेगी, लेकिन मरे तो ठीक है, नहीं मरने के लिए छोड़ेगा। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो इसलिए वन शुड मेंटेन द डाइट। अभी डायबिटीज में हम बोल दिए मोर देन 40% ये नहीं खाना है, नंबर वन। नंबर टू, टू टाइम्स रॉ वेजिटेबल जूस, टू टाइम्स फ्लैक्स राइस, वन टाइम प्रीबायोटिक लहसुन अदरक कटिए। एंड ये जो है ऑलरेडी मैं बोल दिया गरीब के लिए क्या सप्लीमेंट है और अफोर्डेबल सेक्शन क्या सप्लीमेंट है, आइदर ऑफ द वे। लेकिन डायबिटीज के लिए उन लोगों लिए तो हार्ट का प्रॉब्लम रहे तो वो भी ठीक हो जाता है इस डाइट से, एंड लीवर का रहे तो लीवर भी होता है, किडनी का रहे तो किडनी को भी हो जाता है। लेकिन किडनी का और लीवर का एक डाइट है, सारे मैं बोल दूंगा क्या एक्चुअली डाइट है, मतलब इसका जो एक बात देन आप डिफरेंस हो सकता है। एक है किडनी के लिए बोल दी, किडनी का बिगेस्ट मेनास है, किडनी प्रॉब्लम हो तो आधा प्राण निकल जाता है, कैसा इनको देखभाल करना, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। सो किडनी का मैं बोलूंगा पॉइजनस फूड ऐसा बोलूंगा, क्योंकि फूड को पॉइजन नहीं बोलना है, लेकिन मैं इसलिए पॉइजन बोलता हूँ कि इसको अवॉइड करने के लिए बोले तो ये अवॉइड है ना, ये दिन खा लिया सो ये बीमारी आ जाएगा, इसलिए पॉइजन बोले तो डरेगा During the course of the treatment only, not in the entire lifetime. क्या है? More than 1 liter पानी poison है, 5 gram का ज्यादा नमक poison है, all bakery products poison है, और all milk product poison है except dairy, और all alcohol aerated drinks ये सब poison है, fruit juices, क्योंकि फ्रूट जूसेस में पढ़ाई चल रहा था। और दूसरा कोर्स ग्रेन्स पॉइजन है, मतलब ज्वार रागी मैदा मिलेट्स इत्यादि, अमृत ओनली चावल और गेहूं है वो भी अमृत, नॉट मोर देन 30-40%, क्योंकि उसमें 13-14% ये रहता है प्रोटीन्स, वो प्रोटीन इनडाइजेस्टिबल है, वो क्रिएटिनिन उससे भी ज्यादा हो जाता है। और अमृत क्या है? साफ क्यों कैसे साफ करना, लीचिंग करना, उसका बाद में साफ को जो मसाला डालना है उबालने का बाद में वो रस इनको नहीं पिलाना है, रस अलग से फैमिली ले सकता है, और जो उबाला हुआ है वो सब्जी को थोड़ा तड़का दे करके
क्या फॉर्मेट चाहिए उस फॉर्मेट में पेशेंट को दे सकता है, वो अमृत है। नेक्स्ट अमृत क्या है, ये सब्जी, ये दोनों डॉक्टर्स का है का नेफ्रोलॉजिस्ट और नेफ्रोडाइटिशियस नहीं लेना है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमारे पिताजी के ऊपर हम किया है, इसमें 100% अभी हमको डॉक्टर हनी जी दिखा रहा था 6.2 का पोटेशियम, इट हैज कम डाउन टू 4.8 एंड क्रिएटिनिन 6. समथिंग था, 3.2, ये बिहार का आदमी है, इज सेटल इन लुधियाना है, अभी जस्ट दोपहर में बाहर कुछ एडिटिंग कर रहे थे उस समय पर आकर के हमको बोल रहा था, रिपोर्ट भी देता है। सो इसलिए वो अमृत है, फिश इज महामृत है, फिश से वो सेल रीजनरेशन होता है। सो इवन चरक संहिता में कहा है जो भी आहार को दवा कहे तो वो रिलीजन नहीं आता है उसमें। अभी बहुत आदमी मतलब अपना प्राण इंपॉर्टेंट है, प्राण रहे तो धर्म होता है, सो इसलिए उसको देख करके अपना मतलब शरीर को 100% पक्का करना है। सर एक्चुअली किसको किस टाइप में ले सकते हैं? हर खाना में, हर खाना में, क्योंकि नहीं तो एनर्जी नहीं रहेगा। ऑफकोर्स साग इज इक्विवेलेंट टू मटर, साग में कितना कैल्शियम है यू कैन नॉट इमेजिन। दूसरा ये जो क्या है, मशरूम भी खा सकता है, लेकिन पनीर नहीं खाना है, किडनी का ही सारे किताब में लिखा है, बट इवन देन आप लोगों को मैं खा रहा हूं। एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इतना टैबलेट रहता है किडनी पेशेंट, क्या क्या बीपी शुगर को छोड़ करके अन्य कोई टैबलेट्स उपयोग नहीं है, यूरिक एसिड टैबलेट एंड ब्लड थिनर और स्टैटिंस कोलेस्ट्रॉल टैबलेट्स और प्रीबायोटिक टैबलेट्स और नेफ्रो टैबलेट्स और कैल्शियम टैबलेट्स एंड सोडियम टैबलेट्स एंड सो मेनी सप्लीमेंट्स, विटामिन सी का सप्लीमेंट, विटामिन डी का सप्लीमेंट एंड फोलिक एसिड का सप्लीमेंट, क्या क्या देता है यू कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि साइंस जानकारी नहीं, साइंस जानकारी रहे तो अभी तक ये एलोपैथिक डॉक्टर से बैठा हुआ है, साइंस जानकारी है उसको प्रैक्टिस कर रहा है, वो सारे चीज का जरूरत नहीं है, लेकिन लेना हम लेता हूं है तो ले तो कोई दिक्कत नहीं, कंपेटेबल है, नहीं लिए तो फास्ट मतलब किडनी रीजनरेशन हो जाता है, किडनी का अंदर जो ग्लोमेरुलस कैपिलरी फिल्टर्स जो है जो मेडिकल साइंस में कहता है कभी भी वो रीजनरेट नहीं होता है, लेकिन इससे रीजनरेट होता है। एंड इसमें भी वही पॉलिसी है, सुबह एक सप्लीमेंट करने के लिए, शाम को एक सप्लीमेंट, और सौ हमीर के लिए दो तीनों मिक्स करके सुबह और शाम को ले सकते हैं, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एड्रेस पूर पीपल, सो पूर पीपल से मतलब एड्रेस कर दो उनका दवा, इट्स अनइमेजिनेबल टू यू। सो नेक्स्ट जो है किडनी का हो गया और रिमेनिंग आप लोगों